नमस्कार। स्टूडियो में बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के 543 सीटों पर चर्चा करेंगे, साथ में सभी राज्यों के अंदर कौन कौन सी सीटों पे कौन सी पार्टी कौन से राज्य के अंदर आगे चल रही है, तो स्टूडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 4 जून को हमारा चैनल लाइव आएगा और लाइव में आपको बताएंगे कौन से स्थान पर पार्टी जीत रही है। तो पूरी डिटेल में जानकारी आपको 4 जून को हम और भी बताएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस 4 जून को डिटेल्स के साथ में सरकार बनाते हुए आपको लाइव बता सके। साथ में इस स्टूडियो में आपको 543 सीटों का विवरण बता रहे। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर कुल लोकसभा की 25 सीटें, यहाँ पे बीजेपी सीधे तौर पे चुनाव लड़ रही है और यहाँ पे बीजेपी के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। वही बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कुल लोकसभा की 10 सीटें, पिछली बार यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन के अंदर हरियाणा में 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और एनडीए प्लस बीजेपी का खाता यहाँ पे नहीं खुलेगा। वही बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पे 100 सीटें पूरी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ पे 0 सीट जाने वाली है। वही बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर कुल लोकसभा की 5 सीटें, यहाँ पे पिछली बार बीजेपी ने पूरी 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही इंडिया गठबंधन 3 सीटों पे बढ़त बनाते हुए यहाँ पे आगे निकल रहा है। तो वही अन्य की बात करें, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाएगी। वही बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल लोकसभा की 4 सीटें, पिछली बार 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे बीजेपी प्लस एनडीए के खाते में मात्र 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही 2 सीट इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर जीत रहा है। तो अन्य की बात करें, तो अन्य के खाते में 0 सीट रहेगी। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पे कुल लोकसभा की 2 सीटें, यहाँ पर एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में 2 सीटें पूरी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। भाई बात करें अन्य की, तो अन्य का खाता भी यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई बात करें मेघालय की, तो मेघालय के अंदर कुल लोकसभा की 2 सीटें, यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने वाली है। तो इंडिया गठबंधन का खाता यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई अन्य की बात करें, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भाई बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के अंदर कुल लोकसभा की 2 सीटें, यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन भी 1 सीट जीत सकता है। वही बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाएगी। वही बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर कुल लोकसभा की 2 सीटें, यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ पे 0 सीट रहेगी। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम के अंदर कुल लोकसभा की 1 सीट है, यहाँ पे एनडीए के खाते में 1 सीट जाने वाली है। तो इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। भाई अन्य की बात करें, तो अन्य के खाते में भी यहाँ पे 0 सीट जाने वाली है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर कुल लोकसभा की 7 सीटें, यहाँ पे आपको बता दें वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया हुआ है। तो एनडीए का खाता यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर बढ़त बनाते हुए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई अन्य की बात करें, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने वाली है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कुल लोकसभा की 6 सीटें, यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे 0 सीट पर सिमट जाएगी बीजेपी। तो इंडिया यहाँ पे बढ़त बनाते हुए 6 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की कुल 48 सीटें, पिछली बार यहाँ पे बीजेपी ने 41 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी यहाँ पे मात्र 18 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन 30 सीटों पे बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें अन्य की, तो अन्य का खाता महाराष्ट्र के अंदर नहीं खुलेगा। बात करें गोवा की, तो गोवा के अंदर कुल लोकसभा की मात्र 2 सीटें, यहाँ पे 2 सीटें बीजेपी प्लस एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन का खाता यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही बात करें अन्य की, तो अन्य भी 0 पे सिमट जाएगा। वही बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर कुल लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें, पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पे अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन इस बार बीजेपी मात्र 20 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही इंडिया गठबंधन भी 20 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ पे 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड के अंदर कुल लोकसभा की 14 सीटें, यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में भी यहाँ पे 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश
प्रदेश बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले मध्य प्रदेश के अंदर कुल लोकसभा की 29 सीटें पिछली बार यहां पर बीजेपी ने अच्छी सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यहां पर बीजेपी मात्र 16 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट यहाँ पर जाएगी। वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 80 सीटें मानी जाती है। यहाँ पर एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में 42 सीटें सीधे तौर पर जीतता हुआ यहाँ पे एनडीए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 38 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ पे 0 सीटें जाने वाली है। बात करें हम पश्चिमी बंगाल की तो पश्चिमी बंगाल के अंदर कुल लोकसभा की 42 सीट है। यहाँ पे एनडीए की बात करें तो एनडीए सरकार ने पिछली बार यहाँ पे 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में मात्र 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन यहाँ पे 32 सीटों पर लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। भाई बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ के अंदर कुल लोकसभा की 11 सीट है। यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी मात्र 4 सीटों पे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन यहाँ पे लीड लेता हुआ 7 सीटें पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक के अंदर कुल लोकसभा की 28 सीटें, यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें पर जीत दर्ज करता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। वही बात करें अन्य की तो अन्य के खाता यहाँ पे नहीं खुलेगा। बात करें केरल की तो केरल के अंदर कुल लोकसभा की 20 सीटें, यहाँ पे हर बार की तरह एनडीए प्लस बीजेपी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और एनडीए यहाँ पे 0 पे सिमट सकता है। तो इंडिया गठबंधन एक बार फिर से यहाँ पे 20 सीटों पे लीड लेता हुआ जीत दर्ज कर सकता है। वही बात करें अन्य की तो अन्य का खाता यहाँ पे नहीं खुलेगा। करें गुजरात की तो गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे पीएम मोदी का गढ़ माने जाने वाले बीजेपी यहाँ पे कुल 20 सीटों पे जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया गठबंधन यहाँ पे पहली बार खाता खोलते हुए 6 सीटों पे जीत दर्ज करता हुआ यहाँ पे इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। बात करें अन्य की तो अन्य का खाता यहाँ पे नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के अंदर कुल लोकसभा की 39 सीटें, यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी गठबंधन के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और एक बार यहाँ पे निराशा फिर से हाथ लग सकती है। तो इंडिया गठबंधन फिर से लीड लेते हुए यहाँ पे 39 सीटों पे पूरी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें हम आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश के अंदर कुल लोकसभा की यहाँ पे 25 सीटें, यहाँ पे पिछली बार अच्छा स्कोर बीजेपी ने बनाया था, लेकिन इस बार बीजेपी प्लस एनडीए मात्र 2 सीटों पे सिमट सकता है। तो वही इंडिया गठबंधन यहाँ पे 8 सीटों पे जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही लोकल पार्टी वाईएसआर के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें हम उड़ीसा की तो उड़ीसा के अंदर कुल लोकसभा की 21 सीटें, यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के खाते में भी यहाँ पे 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना के अंदर कुल लोकसभा की 17 सीटें, यहाँ पे एनडीए और प्लस बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। तो इंडिया गठबंधन यहाँ पे 12 सीटों पे जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें अन्य की तो यहाँ पे बीआरएस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें असम की तो असम के अंदर कुल लोकसभा की 14 सीटें, यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों पे जीत दर्ज हो सकती है। वही बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें पंजाब की तो पंजाब के अंदर कुल लोकसभा की 13 सीटें, यहाँ पे एनडीए के खाता नहीं खुलेगा और यहाँ पे बीजेपी 0 पे सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटों पे जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे सकता है। वही बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। वही बात करें 543 लोकसभा सीटों की तो यहाँ पे एनडीए प्लस बीजेपी के खाते में मात्र 184 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। तो इंडिया गठबंधन यहाँ पे बहुमत के साथ में 327 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। बात करें अदर्स की और अन्य की तो अन्य के खाते में 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में आप कौन से गांव शहर राज्य से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके हमें जरूर बताइए।